टोहाना में जजपा से विधायक देवेंद्र सिंह लवली रैन बसेरे का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान दीवारों पर लगी टाइलें एकाएक छूटकर गिरने लगीं। मामले में जांच कमेटी ने नगर परिषद का दौरा किया और जेई प्रवीण कुमार से मामले की पूछताछ की। जब कमेटी के सदस्य टाइलों के सैंपल लेने रैन बसेरे पहुंचे तो रैन बसेरों से टाइलें ही गायब मिली। अभी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पूरे मामले में लीपापोती का काम शुरू हो गया है। जो आदेश दिया कि हमारे माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब का आदेश है कि आप मौका निरीक्षण करो, कारण देखो, वहाँ कोई सैंपलिंग की कोई ऐसी आवश्यकता पड़ेगी, कोई पूर क्वालिटी की कोई चीज़ लगी थी तो वो लेके आओ। तो इसमें पूर क्वालिटी वाली बात तो यूँ नहीं रही, क्योंकि ये इसमें मौके पर कोई चीज़ लगी है ही नहीं। यहाँ फिलहाल सारा वो जो भी इसका स्टेप वो उखड़ा उसको उठा के ही ले जाया गया। दूसरा, इसके अंदर ये पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग को ये रैन बसेरा में कन्वर्ट किया हुआ है, इस ओल्ड बिल्डिंग को। इसमें केवल ये टाइलें लगाई गई थी और वो टाइलें गई गिर, इस कारण से गिर गई। तक ना तो कोई नगर परिषद ने किसी ठेकेदार का नाम बताया, किस ठेकेदार ने काम किया, ना ही ये संज्ञान में लाया गया कि किसी को कोई पेमेंट की गई हो, किसी तरह की कोई किसी को पेमेंट की गई हो, कोई पेमेंट किसी को नहीं की गई है। यहाँ जो जेई है मिस्टर प्रवीण, उनको फोन करके बुलाया, वो उन्होंने ही मुझे ये सारी बात बताई, जो बात है कि कोई पेमेंट नहीं की या कोई कॉन्ट्रैक्टर मैंने नहीं लगाया, ये सब बातें उन्होंने ही मुझे बताई। कहते हैं अनुसार जो दो अधिकारी आए थे एक्सीडेंट नए एसडीओ पीडब्ल्यूडी बीएनडीआर से और एसडीओ नेशनल हाईवे से, इस मामले की जांच के लिए उन्होंने सारा मौका मुआयना किया है। जो उस समय के जेई यहाँ पे कार्यरत थे उनको बुलाया था, उनकी स्टेटमेंट ली है और इन्वेस्टिगेशन को टीम कर रही है।